मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने बयान को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। रीवा में एक सोलर प्लांट का निरीक्षण कार्यक्रम में लोगों से बात करते हुए राज्यपाल ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, यदि ऐसे ही और अवसर चाहते हैं तो लोग प्रधानमंत्री को ध्यान में रखें, जिनकी वजह से सबको मिलने का और रोजगार का मौका मिला है। रीवा जिले के गुड़ में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट देखने के बाद इस प्लांट के आसपास के गांव के लोगों से शनिवार को अनौपचारिक चर्चा करते हुए आनंदीबेन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रही है, चलिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, उसका लाभ आप सबको मिलेगा। इसके जवाब में वीडियो में वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति कह रहा है कि आपसे हम सब सीधे रूबरू हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप पधारी हैं, हम सब मिल रहे हैं, फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे। अंत में राज्यपाल कह रही है, ऐसा कई आएगा, मोदी साहब पर ध्यान रखो। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस कथित बयान पर ऐतराज जताते हुए आनंदीबेन पटेल पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बनकर ही काम करना है तो उन्हें संवैधानिक पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की अध्यक्षा शोभा ओझा ने राज्यपाल के इस वीडियो पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वह चित्रकूट दौरे पर सतना एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए विवादों में आई थी।